तो फिर स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से और नए वीडियो लेक्चर में। जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियो में, अब आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर पार्ट टू की। जैसे पहले वीडियो में बताया था मैंने कि मशीन के हर टॉपिक की हम लोग तीन तीन वीडियो बनाएंगे, तो आज जैसे कि पार्ट टू की बात करेंगे। तो आप पार्ट टू का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया और वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, एफिशिएंसी हो गई, टेस्ट हो गए, लॉसेस हो गई, ये सारी चीज़ जितनी रह गई थी आज, अब हम लोग इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे शुरुआत करते हैं, मान लीजिए टेस्ट से। टेस्ट टेस्ट क्या है? टेस्ट जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार के हैं, सिंपल से, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले वीडियो में ही बता दिया था कि हम लोग किसी भी चीज़ को डीपली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या फिर आप लोग यूँ समझ लीजिए जो पॉइंट बार बार या रिपीट होते हैं ना, जो एग्जामों में रिपीटेड पॉइंट होते हैं, सिर्फ हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिर जैसे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन में आता है जैसे कि किस चीज़ को ओपन रखते हैं, किस चीज़ को शॉर्ट रखते हैं, कहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, कहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन क्या होती है। तो शॉर्ट में हम लोग, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ओपन सर्किट में समझिएगा, ओपन सर्किट में जो ट्रांसफार्मर है उसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं ओपन। बस सिर्फ आपको एक टर्म याद करना है, उसको आप ट्रिक समझ लीजिए या यूँ समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा याद करते हैं उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। सिंपल सी एक चीज़ याद रखिए, ओपन सर्किट में क्या ओपन करेंगे, हाई वोल्टेज साइड। सिंपल, हाई वोल्टेज साइड हमने ओपन किया कहाँ, ओपन सर्किट टेस्ट पर। अब जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या शॉर्ट करेंगे, सिंपल इसका जस्ट अपोजिट, हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया था, शॉर्ट सर्किट में हम लोग लो वोल्टेज साइड को करेंगे शॉर्ट। समझिएगा, हाई वोल्टेज साइड ओपन हो गई शॉर्ट सर्किट में, लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट हो गई। ओपन सर्किट टेस्ट अब होगा कहाँ, सिंपल सी बात है, जब ओपन सर्किट टेस्ट हमने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कर दिया ओपन, तो बचा गया लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो कंडक्ट कहाँ कराएंगे हम लो वोल्टेज वाइंडिंग में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ कंडक्ट कराएंगे भाई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है टेस्टों से बन के निकल के आता है, इनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। ए टेस्ट होगा आपका रेटेड फ्लक्स पर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा रेटेड करंट पर। तो ए टेस्ट हम लोग करते हैं रेटेड फ्लक्स पर, ए टेस्ट हम लोग करते हैं रेटेड करंट पर। ये तो सिंपल है। अब मेन चीज क्या है, जो भाई टेस्ट है, टेस्ट करते क्यों हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या निकालेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग निकालते हैं आयरन लॉस, या फिर इसके कई नाम है अभी और बताएंगे, कॉन्स्टेंट लॉस, फिक्स्ड लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग निकालते हैं कॉपर लॉस, इसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस, फुल लोड लॉस। इसके बाद ये चार क्वेश्चन ही, जहाँ तक मुझे लगता है चार क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टेस्ट के नज़रिए से, बट अदरवाइज इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग कि आप किसी भी चीज़ को कितना भी डीपली पढ़िए तो बहुत से क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन ये जो चार पॉइंट हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन आने आने हैं, तो आप लोग इनको तो आपको कंटेस्ट आपको करना ही करना है। अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट के बाद, मान के चलिए इन लॉसेस की, लॉसेस को कैसे हम लोगों ने बांटा, क्या किया, सिंपल सी बात है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग लॉसेस की, लॉसेस सिंपल सा फंडा एकदम, लॉसेस लॉसेस जो हैं दो प्रकार के हैं, एक होते हैं कॉन्स्टेंट लॉसेस, एक होते हैं आपके वेरिएबल लॉसेस। सभी को पता है ये नहीं आता है एग्जाम में कि कितने प्रकार के होते हैं,
एग्जाम में अगला क्वेश्चन आता है, कांस्टेंट लॉस क्या है या वेरिएबल लॉस क्या है? कांस्टेंट लॉस होते हैं आपके आयरन लॉस, ट्रांसफॉर्मर में कांस्टेंट लॉस का ही नाम है, या आयरन लॉस का ही नाम है कांस्टेंट लॉस, या इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड लॉस। वेरिएबल लॉस का नाम क्या है? वेरिएबल लॉस का नाम होता है कॉपर लॉस या फुल लोड लॉस। इसका एक नाम और होता है नो लोड लॉस। और एक क्वेश्चन, अभी दोनों लॉसेस साथ में, तो एक चीज याद रख लीजिएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है ट्रांसफार्मर की? जो ईटा है आपका, मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन होती है वो होती है व्हेन कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, अर्थात आयरन लॉस, इसको कांस्टेंट लॉस भी हम लोग बोलते हैं, फिक्स्ड लॉस भी बोलते हैं, आयरन लॉस जब आपका कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं, ए होती है कंडीशन, तो हम लोग इसमें बोलेंगे मीटा ईटा मैक्सिमम की कंडीशन होती है। अब आयरन लॉस क्या है? आयरन लॉस भी जो है ना आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक जो ट्रांसफॉर्मर पार्ट वन में हमने आपको बताया था, एक होता है वही हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। अब इनको देखते हैं इनमें क्या है। तो अब जैसे कि बात कर रहे थे लॉस, तो फिर अब आ रहा है बात आयरन लॉस पर। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ना आप लोगों को कि आयरन लॉस दो प्रकार के होंगे, हिस्टेरेसिस लॉस एडी करंट लॉस। तो जैसे आयरन लॉस मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक हिस्टेरेसिस लॉस होगा, एक एडी करंट लॉस होगा। अब क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस लॉस कॉन्स्टेंट के एच एफ बी एम की पावर 1.6 वॉट पर मीटर क्यूब, और आपका एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है के ई एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी एम की पावर स्क्वायर वॉट पर मीटर क्यूब। बहुत से लोगों को पता है फॉर्मूले में और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे एडी करंट लॉस कांस्टेंट ले लिया, जो जो चीज़ बदलनी है उनको लिख दिया। अब ये तो हो गया हिस्टेरेसिस लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस। अब इनमें से एक क्वेश्चन तो आ गया आपका फॉर्मूले से, सिंपल सी बात। सेकेंड क्वेश्चन आपका आया वी वाई एफ, यदि आपका कांस्टेंट है तब क्या होगा, और यदि वी वाई एफ वेरिएबल है तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, यदि वी वाई एफ आपका कांस्टेंट है तो हिस्टेरेसिस लॉस समानुपाती होगा आपका फ्रीक्वेंसी के, एडी करंट लॉस समानुपाती होगा आपका फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। वी बाई एफ यदि वेरिएबल है तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस समानुपाती होगा वी की पावर 1.6 इंटू एफ की पावर -0.6 के, और यदि एडी करंट लॉस होगा आपका वी स्क्वायर के। समझिएगा, आयरन लॉस दो प्रकार के, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब आयरन लॉस बराबर हो कॉपर लॉस के। आयरन लॉस हो गए आपके दो प्रकार के, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस। इसमें तीन पॉइंट बनते हैं आपके। पहला पॉइंट फॉर्मूला के एच एफ बी एम की पावर 1.6 वाट पर मीटर क्यूब। सेकंड, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी एम स्क्वायर वाट पर मीटर क्यूब। इसके बाद दो क्वेश्चन आपके बनते हैं सिर्फ, इन्हीं को आप चार क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि भैया वी वाई एफ यदि कॉन्स्टेंट है तो आएगा हिस्टेरेसिस लॉस समानुपाती फ्रिक्वेंसी के, वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है एडी करंट लॉस समानुपाती फ्रिक्वेंसी स्क्वायर के, वी बाई एफ वेरिएबल है हिस्टेरेसिस लॉस समानुपाती वी की पावर 1.6 इंटू एफ की पावर -0.6 के, और एडी करंट लॉस समानुपाती वी स्क्वायर के। तो होता क्या है, जैसे उन्होंने दिया वोल्टेज दे दिया बढ़ा के, अब पूछेंगे एडी करंट लॉस बढ़ेगा क्या घटेगा, और वी बाई एफ यदि वेरिएबल है तब आप लोग बताएंगे बढ़ेगा।
अब इसमें से चौथा क्वेश्चन आता है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया है। इसमें देखिएगा, यदि आप गौर से देखें, बी वाई एफ कॉन्स्टेंट है तो आयरन लॉस का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है एफ, समझिएगा। वी वाई एफ यदि आपका कॉन्स्टेंट है तो आपका आयरन लॉस बराबर निकल कर यहाँ से आ रहा है ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर, समझिएगा बात को। ए एफ ए किसका टर्म है? हिस्टैरिसिस लॉस है ना, स्टेज लॉस समानुपाती फ्रिक्वेंसी के। एडी करंट लॉस का टर्म क्या है? बी एफ स्क्वायर। ये हो गया आपका आयरन लॉस का फॉर्मूला। आप देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आया आपका 40 हर्ट्ज पर आयरन लॉस 100 वाट, 50 हर्ट्ज पर आयरन लॉस 200 वाट, तो 60 हर्ट्ज पर। अब आपसे पूछेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन, अब आपसे पूछेगा कि 60 हर्ट्ज पर हिस्टैरिसिस लॉस कितना होगा, एडी करंट लॉस कितना होगा, आरएल लॉस कितना होगा, या फिर 40 हर्ट्ज पर हिस्टैरिसिस लॉस कितना होगा, एडी करंट लॉस कितना होगा, या फिर 50 हर्ट्ज पर हिस्टैरिसिस लॉस कितना होगा, एडी करंट लॉस कितना होगा, समझिएगा। अब आप लोग गौर से देखिएगा, ए बराबर 40 है, 100 वाट, समझिएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पर, आयरन लॉस बराबर आपको फॉर्मूला पता, इसमें कंडीशन दे देगा आपकी, इफ वी बाई एफ कॉन्स्टेंट। अब आपने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको फॉर्मूला पता है, आयरन लॉस बराबर होता है ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, 100 वाट रखिए, 40 हर्ट्ज पे था, 40 ए प्लस 1600 बी, 40 का स्क्वायर कर लिया, 200 हर्ट्ज, 200 वाट रखिए यहाँ पर, 50 पे था 50 ए प्लस 2500 बी, 50 का कर लिया, समझिएगा। यहाँ से दो अचर संख्याएं हैं, दो समीकरण बने, आप यहाँ से ए और बी के मान निकाल लीजिए, ए बराबर आ गया, बी बराबर आ गया। अब क्या करना है, ए बराबर बी बराबर आ गया, अब इसी मान को लगाइएगा क्वेश्चन है, इसी मान को ए और बी के मान को अब आप रखिए 60 हर्ट्ज वाले। तो इसमें आप सबसे पहले निकालेंगे हिस्टैरिसिस लॉस बराबर क्या होगा, जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, ए गुणे 60। अच्छा पूछेगा 40 हर्ट्ज पे कितना होगा, तो ए गुणे 40, 50 हर्ट्ज पे कितना होगा, ए गुणे 50। इस तरह एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है, 60 हर्ट्ज पे कितना होगा, बी गुणे 3600। 40 हर्ट्ज पर कितना होगा एडी करंट लॉस, बी गुणे 1600। 50 हर्ट्ज पर कितना होगा, बी गुणे 2500। और उसमें करना क्या है, स्ट्रेस लॉस है, एडी करंट लॉस है, 60 हर्ट्ज के, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 60 हर्ट्ज की टोटल लॉस निकल आएगी। टोटल लॉस मतलब टोटल आयरन लॉस। तो इस प्रकार आपकी, इस प्रकार जो आपका एक खत्म होता है लॉस यहाँ से, समझिएगा। 3 पॉइंट वहाँ बताए थे, एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, दो लॉसेस और, अभी सुनिएगा, लॉस शुरू हुआ था, लॉस आप लोगों ने पढ़ा आयरन लॉस, कॉपर लॉस। आयरन लॉस दो प्रकार का था, स्ट्रेस लॉस, एडी करंट लॉस। अब दो लॉसेस और हैं, एक होता है भैया स्ट्रे लोड लॉस, एक होता है आपका यहाँ पे
डाइलेक्ट्रिक लॉस। इन लॉस के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, होता क्या है एक्चुअली। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता। पहला ऑप्शन दिया रहेगा आपको आयरन लॉस, दूसरा दिया रहेगा कॉपर लॉस, सी आपको दे दिया मान लो फ्रिक्शन लॉस, और डी आपको दे दिया स्ट्रेन लोड लॉस। अब आप यहाँ हो जाएंगे कंफ्यूज, और ई ऑप्शन आपको दे दिया ए बी डी। या फिर क्वेश्चन ने पूछ लिया कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में होता है, तो आप कहेंगे यार आयरन मारे कि कॉपर मारे कि क्या मारे। तो ऐसे जब क्वेश्चन जब फंसाना होता है सिंपल क्वेश्चन को, तो ये दो लॉसेस होते हैं, और बहुत कम लोगों को मतलब बहुत कम लोग इनके बारे में पढ़ते भी हैं, तो इनके पास नाम ही आप लोगों को पढ़ना है, और TGT और JEE लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे मान लीजिए लॉस खत्म, टेस्ट खत्म, अब आई बात वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या समझते हैं, सभी लोगों को पता होगा मान लो कि नो लोड लॉस और फुल लोड, सॉरी सॉरी, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में जो डिफरेंस है वही वोल्टेज रेगुलेशन है। इसका यही फॉर्मूला होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछेगा यदि, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज बड़े 100, ये हो गया आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन से दो पॉइंट और बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होता है, किस पावर फैक्टर पे होता है, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव किस पावर फैक्टर पे होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर पर, और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आपका होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। और ये सभी लोगों को पता होगा वोल्टेज रेगुलेशन एक प्रकार का लॉस है, समझ रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग यही चाहेंगे लॉस कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हमें चाहिए ही नहीं है, कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में ज़्यादा डिफरेंस, हम चाहते हैं कम से कम लॉसेज उतना नो लोड वोल्टेज मिले उतना ही फुल लोड वोल्टेज मिले। तो